नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्स कई में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खतरनाक होने के कारण लोगों का सांस लेना स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। खराब हवा के दीर्घकालिक प्रभाव से फेफड़ों पर असर होता है और कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। हाल ही में आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में जो मरीज आए उसमें सबसे अधिक पेट की समस्या वाले थे। आंकड़ों पर गौर करें तो आरोग्य मेले में 1978 मरीजों के रिकॉर्ड दर्ज किए गए, जिसमें से 441 मरीज पेट की शिकायत लेकर आए थे। वायु प्रदूषण उनके शारीरिक और मानसिक विकास को भी प्रभावित कर रहा है। वहीं प्रदूषण से नई शारीरिक समस्या के कई मामले सामने आने के बाद बचाव इलाज के उपाय के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। खराब हवा का असर फेफड़े, दिल और त्वचा पर हो रहा है। इसके अलावा वायु प्रदूषण का असर पाचन तंत्र पर भी पड़ रहा है। डॉक्टरों ने इसे प्रदूषण का असर बताया। प्रदूषण के कारण जिले में कई लोग बीमार पड़े। पेट में गैस बनने पर पेट में दर्द होता है। सुबह मल के बाद भी पेट साफ नहीं होता और पेट फूला हुआ लगता है। पेट में ऐंठन और हल्का हल्का दर्द होता रहता है। कभी कभी उल्टी भी होने लगती है। सिर दर्द की समस्या का मुख्य कारण भी पेट में गैस बनना होता है। गैस की समस्या होने के पहले ही उसे रोकना चाहते हैं तो खान पान पर ध्यान दें। अपनी डाइट में बदलाव करें। मीठे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। खराब हवा के कारण गैस की समस्या की शिकायत हो रही है, इसलिए मास्क का इस्तेमाल करें और बाहर जाने से बचें।